नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया में वैसे तो कई लोग अपने बिजनेस आइडिया से जजेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, साथ ही शो में आने को लेकर एक अच्छी स्पीच भी तैयार करते हैं ताकि जजेस उनके साथ डील के लिए हामी भर दें। लेकिन इस बार जो जोड़ी अपने बिजनेस आइडिया को लेकर जजेस के पास पहुंचे, वो शो में आते ही कर देते हैं धमाका, जिससे वहां मौजूद सभी शार्क चौंक उठते हैं। दरअसल ये जोड़ी पहुंचते हैं अपने बिजनेस आइडिया के साथ, वो थी कैसे आग लगने के बाद उसको डिफ्यूज किया जा सके, जिसका थीम था फटेगा बम बुझेगी आग। जिसके बाद शो पहुंचे पीचो ने कहा कि चौके मत, ये बम आग लगाने के लिए नहीं बल्कि आग बुझाने के लिए है। जिसके बाद शार्क अनुपम मित्तल कहते हैं, इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत। इसके बाद पीचो कहता है कि दरअसल ये एक मैसेज है कि हमारे आसपास कुछ अप्रिय घटना हुई और हम एक्टिव हो सके। दरअसल ये पीचर थे ब्रांड डैडी AFE के रोशन मिश्रा और उनके साथ ही उनकी वाइफ अंकिता मिश्रा, जिनका शो में जजेस ने स्वागत किया। उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में रोशन मिश्रा बताते हैं कि 90% लोगों को आग लगने पर फायर मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता और वो घंटों इंतजार करते हैं फायर ब्रिगेड का। तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है या हो जाता है। वो कहते हैं, आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशन, 78% शॉर्टेज है फायर इक्विपमेंट की और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की। इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रांड डैडी AFE, जो इस मुश्किल में आसानी से हमारी मदद करेगा और भारी नुकसान से भी बचाएगा। इसकी सेल्स गाइड 5 ईयर विद 0% मेंटेनेंस है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस। वहीं अनुपम मित्तल पूछते हैं, तमाम जानकारी के बाद अब कहां पहुंचे हो आप इस प्रोजेक्ट को लेकर? इसके बाद पीचर ने कही, 4 सालों के मेहनत के बाद अब फायर ब्रिगेड इसे हमसे परचेस कर रहा है और इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और इसका मंथली सेल 12 से 14 लाख का है। वहीं इस आइडिया से शुगर कंपनी की मालकिन विनीता सिंह आउट हो गई। पीयूष बंसल कहते हैं कि ये थोड़ा अर्ली स्टेज है और वो भी इस डील से बाहर हो गए। वहीं पीचर का 1.4 करोड़ का रेवेन्यू देखते हुए शार्क नमिता थापर ने एक ऑफर दिया, जिसमें 7 करोड़ का वैल्यूएशन विद 35 लाख इक्विटी के तौर पर दिया गया। वहीं शार्क अमन ने भी नमिता के डील को बेहतर बताया और कहा कि नमिता ने डील अच्छी दी और मैं अभी उनसे लड़ना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं ऑफर नहीं दे रहा, जिस पर जजेस ने चुटकी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।